ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट क्लास ऑफ डायूरेटिक्स इज़ द थायज़ाइड डायूरेटिक्स। इसका हमने मोटिफेशन देखा था कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर एक्ट कर रहे थे, वहाँ से ही सोडियम और क्लोराइड के रीअब्सॉर्प्शन को कम करके वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर रही थी। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल यूजेस क्या है वो हम देखते हैं। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लूप डायूरेटिक्स को सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। जो फर्स्ट लाइन डायूरेटिक ट्रीटमेंट है फॉर हाइपरटेंशन, दैट इज़ थायाजाइड्स, क्योंकि इनकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो उनका एक क्लिनिकल यूज़ तो हाइपरटेंशन हो गया। सेकंड इज़ हार्ट फेलियर, बिकॉज दैट इज़ अनदर एडिमेटस स्टेट ऑफ द बॉडी, और उसमें हम जितना डायूरेसिस करें उतना ही हार्ट पर लोड कम पड़ेगा और उसका जो ड्यूरेशन है वो रुक जाएगी, प्रोग्रेस नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। अच्छा, हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि पोटेशियम की और उसके साथ कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही थी बाई लूप डायूरेटिक्स, और वही हम एक्शन अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें वो एक्शन रिवर्स हो रहा है कि ये यूरिन कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम करते हैं थायराइड डायूरेटिक्स थ्रू इट्स एक्शन, जो कि हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करें। लेकिन अगर किसी पेशेंट में इडियोपैथिक कैल्शियूरिया है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स बन रहे हैं, तो नेफ्रोलिथियासिस केस आ रहा है, तो उसमें भी हम थायराइड डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि ये अपोजिट इनका एक्शन है टू दैट ऑफ लूप डायूरेटिक्स, दैट इज़ दे डिक्रीज द यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, इसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, जो के रोल हमने स्टडी किया था सीए इनहिबिटर्स में भी, वही हम यहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं, और उसका रोल यही है कि सिंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगी वाटर की, तो जीएफआर कम हो जाएगा, क्योंकि पीछे से वॉल्यूम लोड ही कम है, तो जीएफआर कम हो जाएगा, और फर्दर जो एक रीअब्जॉर्प्शन होनी है, या जब जीएफआर कम होगा तो फर्दर आगे फिल्ट्रेशन भी कम होगी और यूरिन प्रोडक्शन भी कम होगी। तो ये बहुत इसका अजीब सा रोल है, लेकिन दैट इज़ व्हाट वाज रिटन इन बिग कैट्स। तो एक तो हो गया हाइपरटेंशन, जिसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड इज़ अ वेरी एडिमेटस स्टेट, दैट इज़ हार्ट फेलियर। थर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी यू कैन से नॉन डायूरेटिक रोल ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स, दैट इज़ इडियोपैथिक कैल्शियूरिया, जिसकी वजह से नेफ्रोथियासिस हो रही थी। ठीक है, और फोर्थ वन इज़ अ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। तो अगर यूज दिखे आए इसके, अब ऐसा हम ये देखते हैं कि कौन से डायूरेटिक के रोल्स हैं, कौन से नॉन डायूरेटिक रोल्स। इसमें हाइपरटेंशन तो डायूरेटिक ही होगा, हार्ट फेलियर डायूरेटिक होगा, लेकिन नेफ्रोथियासिस नॉन डायूरेटिक एक्शन ऑफ थायराइड, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस अगेन डायूरेटिक एक्शन है इसका। ठीक है, तो दीज वर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स।